दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे S96 मिनी एंड्रॉइड बॉक्स के बारे में, जहां पर मैं करने वाला इसकी अनबॉक्सिंग, बताऊंगा सारे फीचर्स और इसमें क्या क्या आप Amazon Prime, Netflix, YouTube सब कुछ चला सकते हैं कि नहीं, सब कुछ सवालों का जवाब इसी वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, इसके बाद घंटी बजाइए, टन टनाटन शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये है S96 मिनी का बॉक्स, आप सभी देख सकते हो, और एक ग्लॉसी बॉक्स है, इसमें थोड़ा लाइट मार रहा है इसके बॉक्स पे, तो ज़रा उसको इग्नोर करिए। और यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको मस्त से कलरफुल बॉक्स मिलता है और बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे उसके वेरियंट लिखे हुए 32GB 128GB में आता है। वाईफाई की डिटेल्स इसमें, डुअल वाईफाई सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड है ये, और इसी के साथ ही साथ म्यूज़िक और काफ़ी कुछ सपोर्ट करता है। बॉक्स से दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस S96 मिनी के जो मेजर फीचर है यहाँ पे हाईलाइट किए गए, जहाँ पे उनको लिखा गया है कि SD Wi-Fi 6K SDR का आपको सपोर्ट देखने मिलेगा। इसी के साथ साथ USB 3.0 दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। ये हम सभी चीज़ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे। बॉक्स की दूसरी तरफ में यहाँ पे बात करो, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक आपको बारकोड आ जाता है, आप देख सकते हो, जहाँ पे इसके प्रोडक्ट के डिटेल्स और सब कुछ मेंशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन चाइना। बॉक्स की इस साइड बात कर तो यहाँ पे उसके डिज़ाइन, स्मार्ट बॉक्स, रिमोट, पावर अडाप्टर, SD केबल, ये सब आपको देखने मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको यूट्यूब और ये सब कुछ चलने वाला है, ये सब मेंशन किया गया है बॉक्स में। तो देर न करते हुए फटाफट इस बॉक्स को अभी अनबॉक्स कर लेते हैं। जैसे आप बॉक्स ओपन करते हो आपको सबसे पहले आपका S96 मिनी एंड्रॉयड बॉक्स देखने मिलेगा, जो कि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी ही देर में। और देखिए बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक यहाँ पे पावर अडाप्टर मिल जाता है, एक HDMI केबल और एक मस्त कलरफुल रिमोट, जो कि देखने में बहुत अच्छा और एकदम छोटा सा क्यूट सा एकदम है। आप देख सकते हो मेरे जो पाम का साइज है उसके साइज का ये रिमोट है। और इसी के साथ ही साथ एक यूज़र मैनुअल आपको इसी बॉक्स में देखने मिल जाएगा। सो बॉक्स में आपको चार चीज़ें मिलती हैं, जिसमें आपका एक एंड्रॉयड बॉक्स होगा, S96 मिनी, रिमोट, HDMI केबल और पावर अडाप्टर, ये चार चीज़ें आपको इस बॉक्स में देखने मिलेंगी। सो ये है हमारा S96 मिनी एंड्रॉयड बॉक्स। यहाँ पे आपको हाईलाइट दिखेगी 6K अल्ट्रा SD का सपोर्ट दिया गया, मतलब 6K तक वीडियो आप इसमें इस एंड्रॉयड बॉक्स में स्ट्रीम कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जहां पर लोग 4K के वीडियोस देख रहे हैं, वहां पर आपको ये बॉक्स आपको कैपेबिलिटी देता है कि आप 6K तक के वीडियो देख सकते हो इसी एंड्रॉयड बॉक्स में। और बात करें इसके पोर्ट्स के बारे में, तो यहां पर आपको दो USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे, जिसमें एक है 2.0 और एक है 3.0। और बात करें दूसरी साइड में, तो यहां पर आपको एक AV पोर्ट देखने मिल जाएगा, ईथरनेट का पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, और इसी के साथ साथ आपको पावर अडेप्टर का पोर्ट दिया गया है। बॉक्स के इस साइड में कुछ भी नहीं है, नीचे साइड में भी कुछ भी नहीं है। देखने में काफ़ी क्यूट और काफ़ी कलरफुल और बहुत ही देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये S96 मिनी एंड्रॉयड बॉक्स। बात करें इसके अब रिमोट के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक रिमोट मिलता है, जिसमें काफ़ी लिमिटेड बटन है, जहाँ पे आपको एक पावर का बटन, होम और एक जॉयस्टिक नेविगेशन के लिए थ्रू आउट, और इसके बाद बैक बटन, माउस का भी आपको यहाँ पे एक बटन, डेडिकेटेड बटन देखने मिलेगा, और ये वॉल्यूम के लिए है। बॉक्स में आपको बैटरी नहीं आती, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और बॉक्स के पीछे साइड आप देखोगे तो यहाँ पर उसके वेरिएंट के बारे में डिटेल दिया गया है, जहाँ पे क्लियरली लिखा गया कि ये 4GB रैम और 128GB का है, और जो CPU लगाया है S6 का, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लेटेस्ट वाला एंड्रॉयड 9 देखने मिलेगा। दोस्तों अनबॉक्सिंग तो हो गई इसी S96 मिनी की, और अब बात करते हैं कि इसको हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब यहाँ पे अगर आपको ये पोर्ट दिख रहा है HDMI का, इसमें आपको HDMI पोर्ट का वहाँ से TV का कनेक्ट करना है, और इसमें कनेक्ट करना है, और ये AV पोर्ट इसमें कनेक्ट कर दीजिए और आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, ये मतलब कनेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान है इस S96 मिनी में। यहां पर मैंने ऑब्जर्व किया कि इस S96 मिनी में आपको जो माइक्रो SD का डेडिकेटेड स्लॉट होता है वो नहीं दिया गया है। अगर इसको मैं कंपेयर करूं S96 मैक्स से, जिसका मैंने एंड्रॉइड बॉक्स का अनबॉक्सिंग किया था, डेडिकेटेड वीडियो बना था, ऊपर लिंक मैं दे दूंगा, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो, सब कुछ डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD का स्लॉट मिल रहा था, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलने वाला। तो ये एक मेरे को एक पहला डिफरेंस निकल गया रहा है जो पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे आपको देखने
मिलेगा इसी S96 मिनी में। तो अब हम लोग कुछ टेस्ट कर लेते हैं, जहां पर हम लोग YouTube, Amazon Prime, Netflix, गेमिंग सब कुछ यहां पे देखते हैं कि ये किस ढंग से काम करता है। तो दोस्तों हम सभी ने देखा कि यहाँ पर एंड्रॉयड बॉक्स बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, यही S96 मिनी। और YouTube भी प्ले हो गया, Amazon Prime और Netflix का मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्ले होता है तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं कि नहीं चलेगा, यहाँ पर परफेक्टली काम करने वाला, तो कोई भी घबराने वाली जरूरत नहीं है। बात कर ले गेमिंग के बारे में, तो आप गेम कोई भी डाउनलोड करके जो भी उसके प्ले स्टोर में अवेलेबल है वहां पे आप डाउनलोड करके अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, डाउनलोड करो खेलो, टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं बात कहना चाहूंगा यहाँ पे जो आपको यूएसबी पोर्ट मिलता है, यहाँ पे दो यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं जिसमें से एक यूएसबी पोर्ट 3.0 है और एक यूएसबी पोर्ट 2.0 है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 2.0 और 3.0 में बहुत डिफरेंस है उसके फास्टर होने का, मतलब यहाँ पे अगर आप 3.0 वाले से अगर कुछ डेटा ट्रांसफर करो तो बहुत तेजी से काम करता है, एज कम्पेयर टू 2.0 वाले से 10 गुना फास्ट काम करेगा आपका यूएसबी 3.0। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको एक पोर्ट यूएसबी 3.0 का देखने मिलेगा और दूसरा जो पोर्ट है यूएसबी 2.0 देखने का मिलेगा। और जब मैं बात करूँ यूएसबी पोर्ट के बारे में, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पेन ड्राइव है और उसमें बहुत तरह तरह के अलग अलग फॉर्मेट है, मतलब जिसमें आपका MKV हो गया, MP4 हो गया, AVI, जो भी है, जितने भी फॉर्मेट होते हैं मीडिया फाइल्स के सारे फॉर्मेट ये एंड्रॉइड बॉक्स सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे एंड्रॉइड बॉक्स देखे जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड उनमें मीडिया फाइल सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर आपको इसमें हर एक फाइल परफेक्टली चलने वाली है, ये एक बहुत अच्छी बात होगी इस S96 मिनी की। जो मेरे पास एंड्रॉइड बॉक्स है इसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं, जो मेरे पास वेरिएंट है 4GB रैम और 120GB इंटरनल स्टोरेज का है, इसी के साथ ही साथ दूसरा वेरिएंट भी आता है जो आपको इसके निचले वेरिएंट में देखने मिलेगा, जिसमें आपको 2GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा इसके प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइसिंग इस समय बैंगवुड पे 3000 रुपये के आसपास मिल रही थी, मैंने 2 हफ्ते पहले देखा था तब प्राइसिंग 3500 रुपये, अभी प्राइसिंग कुछ कम हो गई है 3000 रुपये के आसपास। तो बैंगवुड पे काफी ऑफर चलते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेकर, तो वहां पे जरूर चेकआउट कीजिए, जब भी आप कोई भी एक डिवाइस ले रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, तो एक बार बैंगवुड को जरूर कंसीडर कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सेल चलते रहते हैं, ऑफर चलते रहते हैं, जहां पे आपको काफी फायदा हो सकता है और आपके पैसे बच सकते हैं। तो वहां पे हमारा चैनल का जो मोटो है वहां पे कंप्लीट होता है, जहां पे हम आप सभी के पैसे बचा सके, हमारे चैनल का मोटो, मेन मेजर मोटो यही है हमारे चैनल का। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा बैंगवुड से अगर आप ऑर्डर करते हो तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि वहां पर आप
आपको चाइना से वो लोग शिप कर रहे हैं लेकिन आपका कस्टम में नहीं अटकेगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आपको खाली शिपिंग का जो टाइमिंग है काफ़ी बढ़ जाता है, मतलब अगर आप आज ऑर्डर करो 1 अक्टूबर को, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा 25 अक्टूबर के आसपास। तो ये टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है शिपिंग का। इसके अलावा कोई भी घबराने वाली बात नहीं कि शिपिंग में अटकेगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको कस्टम वाले के पास जाके बात करना पड़ेगा, अरे मेरा प्रोडक्ट अटक गया है मुझे क्लियर करके दो, ऐसा वैसा। आपको कोई भी झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ से आप टेंशन फ्री रहिए कि आपका, बोलते हैं ना, कुछ भी प्रॉब्लम होने का, स्पेशली जब आप बैंगलोर से ऑर्डर करो। बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि यार हमारा प्रोडक्ट अटक जाएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है कि कितना टाइम लगता है और इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि यार वो लोग चाइना शिप कर रहे हैं तो टाइम तो लगना ही है। और दूसरी बात रही अटकने की कस्टम में, तो उसमें टेंशन मत लो, कस्टम में आपका प्रोडक्ट अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपके घर पे सेफली प्रोडक्ट आ जाएगा, तो इस चीज का टेंशन जरा भी मत लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को। और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आईडी हैप्पी गाइड, बाय बाय।